इस खबर के प्रस्तुत करता है नेक्सस सीसीटीवी कैमरे। नेक्सस सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा की 100% गारंटी। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह की रंगीन दुनिया के राज अब सबके सामने आने लगे हैं। बाबा आलीशान गुफा में रहता था। गुफा के बाहर रात के समय महिला संतरी पहरा देती थी। इन संतरियों के पास बाबा के काफी राज हैं और जो बाबा के खिलाफ बगावत करता था उसे डेरे से बाहर कर दिया जाता और जान से मारने की धमकियां दी जाती। बाबा ने काफी संख्या में पुरुष अनुयायियों को अनुपुंसक भी बनाया। इस मामले में बाबा के खिलाफ आवाज उठाई टोहाना के हंसराज चौहान ने। उनका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। हंसराज चौहान को उम्मीद है कि रेप केस की तरह बाबा को उनके केस में भी सजा मिलेगी। उनका कहना है कि सच्चाई की जीत होगी और गुनाहगार को सजा मिलेगी। पाप का घड़ा भर चुका है। देखिए डेरा के साथ तो मैं 1990 से पहले का जुड़ा हुआ हूँ। मेरे मम्मी पापा भी जाते थे डेरा के अंदर और मैं भी जुड़ता चला गया। लेकिन जो एज ए 96 में जो मैं साधु रहा हूँ वहाँ पे, वो 96 में रहा हूँ। उसके बाद जो ऑपरेशन वाला सिलसिला शुरू हुआ है वो सन 2000 में शुरू हुआ था। और 2000 के बाद मैं 2012 में ओनेबल हाई कोर्ट में गया तो माननीय हाई कोर्ट ने जो भी मैंने रिट डाली उसको एक्सेप्ट किया और आगे के जितने भी एपिसोड हैं या जो भी स्टोरी है वो पूरी दुनिया पूरी जनता के सामने है। जी बिल्कुल, मैं पूरा संतुष्ट हूँ और कोर्ट के फैसले को मैं सल्यूट कर रहा हूँ और सीबीआई के जो स्पेशल जज हैं मैं उनको भी बार बार नमन करता हूँ, उनको भी सल्यूट करता हूँ, उनको सजदा है मेरा बार बार। देखिए बाबा के जितने भी कुकर्म थे अब तो पूरी दुनिया के सामने हैं। अभी बहुत से लोग और आने वाले हैं जिनके साथ धोखे हुए हैं, जिनके बाबा ने तलाक करवाए हुए हैं, जिन भी गर्ल्स के साथ, जिनकी बहनों के साथ, बेटियों के साथ ऐसा गलत कुकर्म हुआ है। अभी बहुत सी ऐसी अबला नारी हैं जो अभी देश की जनता को अपना दर्द सुनाना चाहती हैं। बहुत जल्दी ही वो आपके सामने आएंगी और मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्दी पब्लिक के सामने आएँ और वो भी लोगों को बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ है। और मेरा केस भी है वो जल्दी फास्ट ट्रैक पे लगाया जाए और मुझे भी ओनेबल हाई कोर्ट से इंसाफ मिले। देखिए अब तो सीबीआई काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। अब ये मामला ओनेबल हाई कोर्ट के पास है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और 11 जो क्लोजर रिपोर्टें हैं वो सीबीआई ओनेबल कोर्ट को दे चुकी है और अभी 25 अक्टूबर को जो हियरिंग लगी है उसमें ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी मामला सामने बहुत से लोग आ चुके हैं और बहुत से लोग आने भी वाले हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी क्लोज है। और अभी मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, अब जो हुआ है 400-500 लोगों के बीच में तो बाकी का जो सिलसिला वो अभी सामने आने वाले हैं, जल्दी पब्लिक